जय जय श्री राधारणी, जय जय श्री राधेश श्याम निताई गौर हरि। हम लोग धर्म के विषय कुछ आलोचना करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आगे दिन आलोचना किया है। धर्म है वस्तु की वृत्ति, अग्नि है तो उसका धर्म है दाही का शक्ति, निब्बू है तो उसके धर्म है खट्टा खट्टापन, बर्फ है तो उसका धर्म है उसकी वृत्ति है ठंडा। तो ये धर्म उसका साथ साथ रहता है, इसको अस्वीकार कभी करना ये एक अज्ञानता, महान अज्ञानता है। तो हर एक वस्तु का एक एक धर्म है। शरीर है तो शरीर धर्म है मानना पड़ेगा, आहार निद्रा मलमूत्र आदि क्रिया ये सब शरीर धर्म है। शरीर है तो भूख है प्यास है, इसके लिए चेष्टा है, ये स्वाभाविक, कोशिश करके भी इससे निवृत्त होने संभव। शरीर है तो शरीर में जब तक हम रह रहे हैं तो ये जो क्रिया ये चलती रहेगी, ये शरीर धर्म है। शरीर समाज में रहता है समाज धर्म है, समाज राष्ट्र के राष्ट्र में रहता है राष्ट्र धर्म है। ऐसे ही ये विषय हम लोग आलोचना किए हैं, तो हम लोग उनका आलोच्य विषय है आत्मधर्म। एक है जरिय विषय लौकिक धर्म, समाज में निवास करते हैं समाज धर्म पालन करना जरूरी है, राष्ट्र में रहते हैं राष्ट्र धर्म पालन करना हमारे लिए जरूरी होता है, नहीं पालन करने से वो अन्याय होता है। समाज धर्म हम नहीं मानते हैं तो असामाजिक कहते हैं हमको, राष्ट्र धर्म नहीं पालन करते हैं तो हमको राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा। ऐसा ही ये शरीर में आत्मा है चेतन है, ये तो शरीर धर्म हो, जड़ वस्तु जड़ीय वस्तु संबंध जड़ीय वस्तु का जड़ीय धर्म। लेकिन इस शरीर में जो घट में निवास कर रहे हैं जो भगवतांश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराश, वह आत्मा वो भगवान का अंश है। ममई वंश जीव लोग जीवभूत सनातन, मेरा अंश है अविनाशी अंश। तो उसका धर्म क्या है आत्मधर्म? आत्मा आनंद, जो आनंद है वही आत्मा है, जो आनंद है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही आनंद है, आनंद ही। उस शरीर में रहने का कारण ये दृश्यमान जागतिक वस्तु में वो आनंद का प्रतिफलन होता है, देखने में लगता है जगत आनंदमय है। वास्तव में जड़ वस्तु चेतन को कभी आनंद दे नहीं सकता है, आनंद चेतन धर्मी पदार्थ आत्म संबंधी। तो जड़ीय वस्तु प्राप्त करके हम उस आनंद प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, कभी कभी पाते भी हैं, तो ये जो पाते हैं तो जड़ीय वस्तु चेतन को कैसे आनंद देते हैं? बोलते हैं ना, ये वो जड़ीय वस्तु हमको आनंद नहीं देता है, हम उस जड़ीय वस्तु को प्राप्त करके हम भीतरी जो हमारे आत्मानंद भीतर आनंद है ना उसका झलक खिल जाता है, जो हमको आनंद मिल रहा है हमको आनंद मिल रहा है वो आनंद नहीं, आनंद की एक आभास है। आनंद का एक आभास है, वस्तु कभी चेतन जड़ीय वस्तु चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी पदार्थ,
जोरिय वस्तु में कभी आनंद है ही नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। आप मनुष्य से प्यार करते हैं, आनंद पाते हैं, जितना अधिक प्यार करते हैं उतना अधिक हमको उनसे मिलने से हमको आनंद मिलता है। प्यार कम है तो कम आनंद है, अधिक प्यार है तो अधिक आनंद हम प्राप्त करते हैं उनसे मिल करके, तो क्या वो हमको आनंद देता है? तो जब मर जाता है तो उसी मृतक शरीर को कंठ में लगा करके रोते हैं, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए, बोल के रोना शुरू करते हैं, हाय हाय तुम हमको छोड़ के कहाँ गए हैं? तो चले गए जो उससे तुम्हारा प्रेम था उसके लिए रो रहे हो। अगर शरीर तुमको आनंद देता है तो शरीर तो तुम्हारे सामने है, पड़ा है, तुम क्यों रोते हो? तुम रो रहे हो तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए, तो इसका मतलब है उसके भीतर जो रहता था उससे तुम प्रेम करते थे। वह है कौन? चेतन, वह है भगवतांश। जब तक शरीर में है, शरीर सचल सक्रिय होने का कारण मालूम होता था जैसे यही आत्मा है, तो हम उससे प्रेम करते थे। वो आत्मा चला गया, शरीर से हमारा कोई लेना देना नहीं, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए? किसके लिए रोते हैं? वो आत्मा के लिए। आत्मा से ही प्रेम होता है, आत्मा से ही आनंद अनुभव होता है। वो आनंद और आत्मा अलग नहीं है। और वो जो ईश्वर है अखंड आनंद सिंधु भुवा आनंदमय सत्ता, उन्हीं का ही अंश है। वो हमको हर समय मैग्नेट की तरह आकर्षण कर रहे हैं, हमको जान नहीं पा रहे हैं हम जी। आनंद के अभाव, आनंद प्राप्ति के लिए हमारे जो चेष्टा क्यों हो रहा है? कहाँ से ये आनंद का यह आकर्षण हम अनुभव कर रहे हैं? वास्तव में भगवान सब जीव को धारण करके रखे हैं और सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित संबंध भगवान से हमारा ऐसे संबंध है। वो पूर्ण आनंद ये शरीर धर्मी होने का कारण अनुआनंद, कुछ आनंद का अंश शरीर में रहने का कारण शरीर में हम रह करके आनंद प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, लेकिन सत्ता है वो आनंदमय। जब तक ये चैतन्य सत्ता उस भूमानंद अखंड आनंद सिंधु भगवत सान्निध्य प्राप्त नहीं कर पा रहे, तब तक जाके पूर्ण नहीं हो सकता है। इसका आनंद के अनुसंधान से विरत होना कभी संभव नहीं है। अंतकरण क्यों होगा? अंतकरण तो चेतन तो बस अलग है। चेतन अंतकरण है उसकी वृत्ति। इसमें श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात् आत्मा तथा पृथक दृष्ट भगवान ब्रह्म संगीत। आत्मा, आत्मा का संग देने जड़ चेतन जो है ना, तो दूसरा अलग संज्ञा दे रहे हैं। एक शरीर का जो है चैतन्य सत्ता जीवात्मा, जीवात्मा का जीव और आत्मा दोनों का मिलान है ये शरीर। इसमें एक जीव है शरीर, एक है आत्मा चेतन, दोनों मिलकर के जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा है। आत्मा चेतन सत्ता लेकिन बन गया जीव, जो जीते हैं मरते हैं, जो जीना चाहते हैं जीने के लिए कोशिश करते हैं जीव, है ना। तो भागवत श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीता। भूत इंद्रिय अंतकरण प्रधान जो है इसको जीव कहते हैं। भूत पंच महाभूत अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, इंद्रिय दश इंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय हस्त पद वाक् पायु उपस्थ, पांच ज्ञानेन्द्रिय चक्षु कर्ण नासिका जीव। तब भूतेन्द्रिय अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो तत्व है इसको कहे, ये लेकर के इसको कहते हैं जो अपनापन
कर्तृत्व अभिमान लेकर के शरीर को ही ये भोगायतन शरीर को ही अपना स्वरूप मान करके अहंकार रूपी जीव चैतन्य सत्ता संसार में घूम रहा है, ये है जीव। और आत्मा जो है भगवत अंश जीव अविनाशी, वो उसके स्वरूप कहते हैं आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संकेत, वो है आत्मा, शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा जो पांच करने लगे मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण, ये है जीव। उसमें जो जीव को चेतन क्यों नहीं कहा जा सकता? चेतन नहीं, अचेतन में नहीं, जीव जो है ना ये उभयात्मक, उभयात्मक है, चेतन भी है जड़ भी है, चिदाभास कहते हैं उसको, चिदाभास कहते हैं उसको, है आत्मा। लेकिन जैसे मान लो इसका कैसे इसका वर्णन किया जा सकता है, मान लीजिए एक जन सो रहा है, सो करके स्वप्न दिख रहा है, स्वप्न में वो एक शरीर कल्पना कर लेता है और संसार कल्पना कर लेता है, मनोजगत में, मन तो चुपचाप नहीं रहता, थोड़ा सा जब जागृति रहती है, थोड़ा सा मन बुद्धि अहंकार थोड़ा सा हल्का सा जागा रहता है, तो मन उस समय अपना कर्म करता है, वो चुपचाप नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चिंतन करते रहता है, वो चिंतन ही स्वप्न रूप में आता है, वो कल्पना कर लेता है एक शरीर और संसार कल्पना कर लेता है, कल्पना करके वो सो रहा है, स्वप्न अवस्था में उस शरीर को सत्य आरोप कर लेता है, वो शरीर मैं हूं, और काल्पनिक संसार उसको सत्य आरोप कर लेता है, आरोप करके बस उसको सत्य मान करके काल्पनिक संसार को भोग करता है, तो वो शरीर भी झूठा है और संसार भी झूठा है, दोनों मिथ्या है। मिथ्या होने से भी सत्य आरोप करने के कारण उसका जो विकार, वो सोता हुआ जीव चैतन्य सत्ता जो है उसके ऊपर आरोपित हो रहा है, भय लालसा इच्छा लोभ आनंद जो भी हो रहा विकार, वो सब आरोपित हो रहा सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर, वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक कल्पना करके उसको सत्य आरोप करके वो काल्पनिक जगत में घूम रहा है, उसका आरोप प्रत्यारोप सत्य मानना ही उसका ये सुख दुख का कारण है, सोते हुए अवस्था में भी वो विकारित हो रहा है। ऐसा ही भगवत अंश जीवात्मा है, ये संसार को सत्य मान लिया, मान लिया सत्य माने जो पहले था अभी है पीछे रहेगा वो है सत्य, संसार मिथ्या नहीं है, संसार अनित्य है, ये पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, विस्मय दृश्यमान आगंतुक है ना, लेकिन वो आनंद सत्ता भगवत अंश, वो निर्दोष चेतन है, अमल, अमल माने मायामल रहित त्रिगुणातीत है, सत्य रजतम तीन गुण के अतीत है, सहज सुख राशि माने सदा आनंदमय है, होते हुए भी वो इस शरीर में अनुप्रवेश करके इसमें ये शरीर में तदात्म हो गया, हो करके तदात्म हो करके आप वो इसको, ये शरीर सत्य नहीं है, ये पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, लेकिन इस शरीर को मैं, ये जो मिथ्या अभिनिवेश, ये मिथ्या अभिनिवेश ही उसका संसार चक्र में घूमने का, संसार चक्र में घूमने का कारण बनता है। मन दोनों काम करते हैं, तो शरीर मिथ्या नहीं, संसार भी मिथ्या नहीं, स्वप्न में जैसे कल्पना काल्पनिक शरीर मिथ्या है, संसार भी मिथ्या है, झूठा, उनको अस्तित्व ही है नहीं, दृश्यमान जगत में ये नहीं, ऐसा नहीं, शरीर सत्य है लेकिन ये अनित्य है, पहले था नहीं पीछे रहेगा नहीं, दृश्यमान जगत भी अनित्य है, लेकिन इसमें वो अनुप्रविष्ट होकर के तदात्म होकर के स्वप्न जैसे, स्वप्न जगत जैसे वो भ्रमित होकर के देह को मैं मान करके इसको सत्य मानने का कारण
संसार चक्र में बंधन दशा प्राप्त होकर संसार चक्र में घूम रहा है, यह है उसका बद्ध दशा, है ना। तो आत्मा जो है वो हर समय वो आनंद का अनुसंधान कर रहे हैं, करेंगे, जब तक वो भुवा आनंदमय अखंड आनंद सिंधु भगवत चरण प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक जा करके उसका ये आनंद अनुसंधान से विरत होना कभी संभव नहीं, क्योंकि वो हर समय आकर्षण कर रहे हैं। तो वो आनंद से मिलने के लिए जो स्वाभाविक ही अंतकरण वृत्ति, यह है धर्म, आत्मधर्म, इसको कहते हैं आत्मधर्म। ये शरीर धर्म यह है आत्मधर्म, ये स्वाभाविक ही जब तक वो नहीं मिल रहे हैं, ये जी हमको आकर्षण कर रहे हैं भगवान प्रभु उनका अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत लीला, सब अनंत है। कोई कोई रूप से उपासना कर रहे हैं, कोई कोई रूप से उपासना कर रहे हैं, कोई भूल नहीं है, लेकिन जब तक हम वो भूमानंद में उनका सान्निध्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तब तक जा करके उसके ये आनंद अनुसंधान से विरत होना कदापि संभव नहीं है। वो भ्रमित होकर के, आनंद तो वहाँ है, उधर से भ्रमित होकर के दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आकृष्ट होकर के उसी में आनंद है, आनंद का फोकस हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो सोचते इसमें आनंद है, खाना में आनंद है, पीने में आनंद है, पुत्र में आनंद है, कन्या में आनंद है, घर में आनंद है, रुपये में आनंद है, किसी में आनंद नहीं है, भ्रमित होता है, भ्रमित होते 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 वृद्धावस्था आ जाती है, फिर जाके और दुखी हो जाता है, हाय हाय हमको कुछ मिलने कहाँ से मिलेगा, तुम तो अंधकार में, जहाँ आनंद नहीं है, जहाँ दुख है, वहाँ तो आनंद का अनुसंधान करते करते तुम अपना जीवन व्यतीत कर दिया, आनंद तो फिर मिलेगा नहीं, समस्त इंद्रिय शिथिल हो जाता है, धीरे 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 मृत्यु का इंतजार करने लगता है, दुखी हो जाता है, कहीं आनंद मिला नहीं, है नहीं संसार में, दृश्यमान जगत में आनंद है नहीं। तो ये आनंद जो है उसको आकर्षण कर रहे हैं, वो अखंड आनंद सिंधु भूमा चैतन्यमय उनके चरण सान्निध्य प्राप्त करने का जो तीव्र चेष्टा, ये है हमारे धर्म, आत्मधर्म। शरीर धर्म ना, आत्मा रहने के कारण शरीर का जो धर्म है ये स्वाभाविक जड़ीय वृत्ति है, जैसे आहार कुछ भी करो तुमको भूख लगेगा ही, निद्रा आएगी ही, मल मूत्र आदि त्याग के जो विकार है ये भी तुमको करना पड़ेगा, ये शरीर धर्म है ना। आत्मधर्म है भगवत उपासना, ये आत्मधर्म। लेकिन जीव ये भूल करके, भ्रमित होकर के, देह में आत्मबुद्धि करके, देह शरीर मैं नहीं हूँ, ना शरीर मैं हूँ, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, लेकिन इसमें आत्मबुद्धि करके ये शरीर मैं हूँ भ्रमित होकर, बस इसमें सुख है, शांति है जान करके, इसके पीछे घूम रहे, अनंत काल बीत गया, घूमने का ये निवृत्ति होना संभव नहीं है। कोई महत्पुरुष की कृपा से, गुरु कृपा से जब उसका ये ज्ञान हो जाता है, जो इधर अंधकार है, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, वास्तविक वहीं जा करके परम शांति है, वहीं वहीं जाना है हमको, तब जाके उपासना में लग जाती है, यह है आत्मधर्म। तो यह लोक धर्म जो है, शरीर धर्म जो है, सामाजिक धर्म जो है, राष्ट्र धर्म जो है, यह साधारण धर्म, इसको ये धर्म है, ये धर्म है, लेकिन यह है जड़ियों साधारण धर्म। और भगवत उपासना जो है वह है परम धर्म, सबई पुंसंग पर धर्म जत भक्ति रदक्ष जे, भगवत भगवत चरण में जो भक्ति प्राप्त करना वही है परम धर्म, सबई पुंसंग, यह परम धर्म। और यह साधारण धर्म, साधारण धर्म जो है ये आत्मधर्म नहीं है, लेकिन जब तक शरीर में है
है, तब तक शरीर धर्म हमको पालन करना है। जैसे हम गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ धर्म क्या है, नहीं अपना पुत्र आदि को सत शिक्षा देना, गृहस्थ पालन करना, कुटुंब भरण करना, अतिथि सेवा करना, फिर जैसे सामर्थ्य अनुसार समाज सेवा करना, इत्यादि चेष्टा जो है यह है शरीर धर्म, सामान्य धर्म, साधारण धर्म, ये करना जरूरी है, लेकिन यह हमारा आत्म धर्म नहीं है। ये करना है, जब तक शरीर में है ये करना है, लेकिन इसके लिए हमको जीना नहीं है, इसके लिए हमारा मानव जीवन नहीं है। मानव जीवन तो एकमात्र परम धर्म साधन के लिए, सबई पुंसं पर धर्म जत भक्ति रदक्ष सजे, यह है मानव जीवन का श्रेष्ठ आचरणीय धर्म। है ना, तो दो धर्म है, एक लौकिक धर्म एक परलौकिक धर्म, एक जड़ीय धर्म एक आत्म धर्म। इसीलिए यह परम धर्म भगवत उपासना है, यही उपासना, ये भगवत प्राप्ति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे जो जड़ीय हमारी वृत्ति है बुद्धि है इसके अंदर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मनुष्य संहिता में कहते हैं अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् सवशिकं प्रत्यधर्मस्य पंचलक्षणम्। ये फाउंडेशन है, हम उपासना करना चाहते हैं, हम उस परम वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, परम शांति पद प्राप्त करना चाहते हैं, हम भूमा आनंदमय सत्ता भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फाउंडेशन बहुत जरूरी है। अहिंसा सत्यम अस्त्यम माने चोरी नहीं करना, शौचम शुचिता संयमम, ये पास लक्षण है। मान लीजिए एक धर्म की बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं, लेकिन फाउंडेशन नहीं है तो वो बिल्डिंग कभी टिकेगा नहीं, टिक नहीं सकता है, गिर जाएगा। बिल्डिंग का डिजाइन बहुत सारे हो सकता है, अलग 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 अलग, लेकिन फाउंडेशन होना जरूरी है। तो ऐसे ही कोई भी धर्मावलंबी हो, धर्म बहुत है, सब आदरणीय है, सब श्रद्धा करने लायक है, लेकिन ये फाउंडेशन, इसके बिना धर्म हो नहीं सकता है, टिक नहीं सकती है। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् सवशिकं प्रोक्त धर्मस्य पंचलक्षणम्। मनु संहिता में मनु महाराज मानव जाति के लिए यह मानव धर्म, इसके पांच सनातन धर्म में ही है, सभी धर्मों में है। सनातन धर्म माने ही है सब धर्म का बेस फाउंडेशन, अलग धर्म कुछ है नहीं, ये बेस है। जब मान लो एक पेड़ है ना, पेड़ का जो कांड है, उसको क्या कहते हैं, तना, प्रथम जो तना है ना, वो एक है ना, ऊपर जा करके अलग शाखा, ये एक शाखा, वो एक शाखा, वो एक शाखा, वो एक शाखा, उसका अलग पत्ता, उसका अलग पत्ता, उसका अलग पत्ता, उसका अलग पत्ता, है ना, देखने में लगता है जब उस डाली से इस डाली का कोई संबंध नहीं, वो अलग। तुम एक डाली में बैठे हो और एक जन अलग डाली पे बैठा है, तुम कहते देखो हमारा डाली ठीक है, तुम बोलते हैं, वो बोलता है नहीं हमारा डाली ठीक है, सब अलग अलग डाली है, लेकिन मूल जो तना है ना वो एक है। इसीलिए धर्म का यह फाउंडेशन, इसको मानना पड़ेगा, इसके बिना धर्म हो नहीं सकता है, तो वो सिर्फ पशु धर्म हो जाएगा। इसलिए ये फाउंडेशन ही हमारे सनातन धर्म में बताते हैं। सनातन धर्म माने क्या है, हमारे सनातन धर्म माने नित्य, जो पहले था अभी है पीछे भी रहेगा, ये कभी नष्ट होता नहीं, हो नहीं सकता है, क्यों, ये धर्म भगवान से आया है, ये भगवान का धर्म है सनातन माने नित्य। जैसे अलग अलग धर्म कोई कोई प्रचार किए हैं, कोई कोई 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, ऐसे ऐसे, लेकिन हमारा धर्म जो है ना अनादिकाल से आए हैं, लेकिन एक रूपरेखा आकर के हम जैसे साधक अपने मन मर्जी कुछ कुछ रूपरेखा बना करके इसका गलत अर्थ निकल करके उसको बनाते हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारे कमी, धर्म में कमी नहीं है, गलत व्याख्या करते हैं,
व्याख्या करके इसका रूपरेखा अलग बना करके लोगों को भ्रमित करते हैं, ये भ्रमित करते हैं जो ये धर्म है हमारे हिंदू धर्म, ये पूजा, ये देवी पूजा, ये पूजा, वो पूजा, ऐसा नाना प्रकार ये धर्म है। जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा देखने में आता है ना, साल में बहुत बड़ा पूजा है, लेकिन बड़ा कष्ट की बात है, वहाँ पूजा नाम की वो वस्तु नहीं है, देवी उपासना नहीं, देवी तो सत्य है, वहाँ आनंद, पैसा इकट्ठा करते हैं, लाखों रुपया इकट्ठा करते हैं, करके कहीं कोई स्थान नहीं है जहाँ मिल जाए, बढ़िया जगह एक्ट होना चाहिए, साफ सफाई करके लाखों रुपया पेंडल बना करके, लाखों रुपये का मूर्ति बना करके, लाइट पेंडल आदि देख करके, एक लोकरंजन और आनंद पूर्ति, मौज मस्ती, नाचना गाना, देवी पूजा हो, देवी पूजा कुछ नहीं है, कोई पूजा में मन वो क्या पाठ कर रहे हैं, क्या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, कोई वहाँ ज्यादा नहीं है, वो लोग बस आनंद रात में जाते हैं, लाइट पेंडल और देखने लायक, जैसे मान लो हम स्वर्गपुरी में आ गए हैं, और बाहरी जो लोग हैं वो देख के क्या कहते हैं, यह है हिंदू धर्म, यह है हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म है। हाँ, एक शाखा है धर्म की, एक रूप है, एक धर्म के ही एक शाखा देखने में आता है, कोई उपासना के एक धारा, और वो भी ठीक नहीं, वो भी प्रपन्न नहीं, उपासना वहां होता नहीं है, लेकिन आनंद मौज मस्ती चल रहा है, उसे कोई जो जानते नहीं वो कहेंगे ये हिंदू धर्म है, लेकिन वास्तव में हिंदू धर्म नहीं। हमारा धर्म देखो फाउंडेशन क्या कहते हैं, हमारी उपासना देखो क्या कहते हैं, उसको जानो तब जा करके, लेकिन क्या करें, अब समय है, कोई कहेंगे यही हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। तो हम लोग कल चलेंगे आगे अहिंसा सत्यम अस्तित्व इस विषय में और कुछ आलोकपात करने का कोशिश करेंगे कल फिर आगे। ये साधारण धर्म है तो ये पांच को ध्यान में रख के ही साधारण धर्म पालन करना। हाँ, इसको ध्यान रखे, फाउंडेशन है। परम धर्म के तो बात तो आई गई। हाँ, आई गई, लेकिन साधारण धर्म जो पालन करना, वो भी पालन करना, वो भी पालन करे तो ये साधारण धर्म, साधारण धर्म आगे निकल, नहीं तो वो भ्रष्टाचार आ जाएगा, व्यभिचार आ जाएगा। ये साधारण धर्म जो है, लोक धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, इसमें अगर अहिंसा सत्यम अस्तित्व ये जो पांच बताया गया फाउंडेशन, इसका अनुशीलन नहीं रहता है तो जाके वो धर्म ठीक ठीक होता नहीं होता, व्यभिचार दोष हो जाता है, व्यभिचार आ जाता है। जैसे गृहस्थ धर्म, गृहस्थ में कोई संयम नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कुछ नहीं, एक खाना पीना मौज मस्ती, इसको हम लोग गृहस्थ आश्रम कहते हैं, वास्तव में ये गृहस्थ आश्रम नहीं, इसको आश्रम कहा ही नहीं जाएगा, ये तो खाने पीने का मौज मस्ती कर रहे हैं, जीवन को एक पार्श्व जीवन व्यतीत करने का एक प्रक्रिया विशेष है, इंद्रिय भोग का एक विशेष वृत्ति है, विशेष एक प्रक्रिया है, लेकिन धर्म अलग है। गृहस्थ धर्म बहुत महान है, यहाँ सद शिक्षा मिलते हैं बच्चों को, सद अनुशीलन, अपना धर्म का शिक्षा दी जाती है, फिर अतिथि सत्कार, अतिथि सेवा, समाज सेवा इत्यादि सेवा, उसके अंदर रहना जरूरी है, सेवा भावना रहनी जरूरी है, ऐसा है। प्राथमिकता खत्म हो गया, अब इसी के हम लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम। एक एक स्त्री का धर्म है पतिव्रत नियम धारण करके चलना, अगर वो भक्ति भाव में भगवत प्राप्ति करना चाहे तो क्या उसको पतिव्रत धर्म छोड़ना पड़ेगा? देखो, हम तो पहले बताएं, एक शरीर धर्म, एक आत्म धर्म। शरीर धर्म पालन करना जरूरी है, शरीर में हम रह रहे हैं, संसार में हैं, तो पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, और जो जितना है उनको प्रसन्न रखना, ये तो स्वाभाविक होनी चाहिए। तत्सहित मन को भगवत चरण में निविष्ट रख करके भगवत चिंतन, भगवत पूजा, ध्यान धारणा, उपासना, ये करना चाहिए, ये संसार जीवन में एक पार्ट होना चाहिए, नियमित अनुसार उसको उपासना करना बहुत जरूरी है,
दोनों आत्मधर्म शरीर धर्म दोनों निभाना जरूरी है। ऐसा नहीं है संसार में रहते हैं वहाँ आत्मधर्म का कोई स्थान नहीं है, ऐसा नहीं है, ये करना जरूरी है, दोनों साथ दोनों साथ चलेगा।